नंबर 1.6 है एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 का सोल्यूशन। देखते क्या कि इसमें क्वेश्चन में है क्या। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है क्या कि अब फोर पॉइंट चार्जेज मतलब चार क्या है पॉइंट चार्जेज हैं और इनकी वैल्यूज गिवन है। तो क्या क्या कंडीशन है देख लेते हैं। फोर पॉइंट चार्जेस क्यू ए इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम, क्यू बी इज इक्वल टू -5 माइक्रो कूलम, क्यू सी इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम एंड क्यू डी इज इक्वल टू -5 माइक्रो कूलम आर लोकेटेड एट द साइड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या हो गया कि एक पहला नंबर तो एक स्क्वायर बना लेते हैं हम लोग, ये हो गया कि स्क्वायर ठीक है। और इस स्क्वायर के जो पॉइंट्स है जैसे हमने इसको मान लिया ए बी सी और डी, ए हो गया बी हो गया सी हो गया और ये हो गया टी। तो ए पर जो चार्जेस हैं उसको हमने मान लिया क्यू ए, वो कितना है क्यू ए इसकी वैल्यू गिवन है 2 माइक्रो कूलम और यहां पर क्यू बी है और जो क्यू बी गिवन है ये गिवन है -5 माइक्रो कूलम ठीक है। और ये पॉइंट सी पर जो क्यू सी गिवन है वो है 2 माइक्रो कूलम और जो क्यू डी गिवन है ये भी गिवन है -5 माइक्रो कूलम। ये होगी कहानी, ये पूरे चार्जेस हैं जो इस कॉर्नर्स पर क्या है लगे हुए हैं। चलिए ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि जो साइड्स हैं वो 10 सेंटीमीटर, तो अगर ये 10 सेंटीमीटर साइड्स हैं तो स्क्वायर की साइड्स है तो बोल रहे हैं कि इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है। तो सेंटर पर जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वैल्यू गिवन है 1 माइक्रो कूलम और बताना है कि उस पर कितना फोर्स लगेगा। इसको हम लोग थोड़ा यहां से मिटा देते हैं। चलिए भाई तो इनके सेंटर पर चार्ज रखने के लिए हमने इसको मिला दिया और इसको मिला दिया। अब यहां पर एक चार्ज, चार्ज की वैल्यू है 1। अब इस 1 चार्ज पर क्यू बी एक फोर्स लगाएगा इधर की डायरेक्शन में जिसको हम लोग बोल सकते हैं एफ बी और ये क्यू सी फोर्स लगाएगा इधर डायरेक्शन में जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं एफ सी। क्योंकि सेंटर तक की डिस्टेंस दोनों की इक्वल है इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो एफ ए है ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -FC। वेक्टर भी लगा सकते हैं हम लोग तो दोनों की जो वैल्यू होगी मतलब FA प्लस FC ये इज इक्वल टू हो जाएगी 0 क्योंकि फोर्सेस क्या है इक्वल और अपोजिट है। तो फिलहाल जो QA है और QC है ये पॉइंट 1 पर यानी कि जो 1 कूलम चार्ज है इस पर किसी भी तरीके का फोर्स नहीं लगाएगा क्योंकि रिजल्टेंट क्या हो गया 0। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर FB मतलब B की वजह से क्या करेगा ये फोर्स की डायरेक्शन ये होगी इसको खींचेगा और FD भी क्या होगा इसको खींचेगा अपनी साइड में। और यहां पर भी हम लोग कह सकते हैं कि जो वेक्टर FB है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वेक्टर FD। यहां पर भी सेम थिंग वेक्टर FB प्लस वेक्टर FD इज इक्वल टू क्या हो गया 0 यानी कि चार्ज -5 माइक्रो कूलम और ये FD जो है ये भी -5 माइक्रो कूलम है दोनों की डिस्टेंस भी सेंटर पर इक्वल है सेंटर तक की डिस्टेंस इक्वल है तो इनका भी रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया 0 इनका भी रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया 0। इसका मतलब ये चारों चार्जेस मिलकर के इस पर कितना फोर्स लगाएंगे 0 मतलब एट द लास्ट हम लोग कह सकते हैं वेक्टर FA प्लस वेक्टर FB प्लस FC प्लस FD इज इक्वल टू क्या हो गया 0 रिजल्टेंट फोर्स 0 यानी कि चार्ज पर किसी भी तरीके का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। है भाई